लेजर को थोड़ा टाइम लगा लेकिन आ गया राइट। हाँ प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, आ जाएगा वहाँ। हाँ वही मैं पहले का जो सम्स आपने कराए थे ना कल, वो किया मैं पहले, फिर होमवर्क का सम किया। रिक्वेस्ट भेजी हुई उसने अभी शायद आया क्या? नहीं नहीं आया। वो जैसी आ जाती है अपन स्टार्ट कर देते हैं। उसको कॉल किया तो मुझे ज्वाइन कर रही है वो अभी, अभी तक अच्छा आया अच्छा कैसे नहीं। कब हाँ चलेगा। कॉल करूँ? लेट हो जाएगा ना, वो कॉल करता हूँ इसमें। भाई आप चालू कर दो, क्या लेट हो गया उसको। मालूम फोन ही नहीं उठा रही हो। अच्छा, कल का ना एक समय डाउट है मेरे को, हाँ हाँ चलेगा ना, कर लेंगे ना वो। वो कर लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करें बेटा। हाँ भाई पेज नंबर 366। ये 66
366 में पे क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 76 हाँ। अभी देखो अभी तक हम लोग जो प्रॉब्लम कर रहे थे ना उसमें क्या था, एक ड्रॉवर था एक ड्रॉवी था, बराबर है ना, एक ड्रॉवर एक ड्रॉवी। हाँ अभी यहाँ पे क्या आएंगे, मल्टीपल ड्रॉवीज आएंगे, मतलब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कि ए ट्रांजेक्शन कुछ और है, बी कुछ और है, सी कुछ और है और डी कुछ और है। ए में स्टोरी अलग रहेगी, बी में स्टोरी अलग रहेंगी, सी में स्टोरी अलग रहेंगी और डी में स्टोरी अलग रहेंगी। तो जैसे जैसे स्टोरी रहेंगे हम लोग क्या करेंगे, वैसे वैसे एंट्री पास करेंगे। ठीक है बेटा, चलो पेंसिल हाथ में रखना, जैसा सा बोलूंगा वैसा वैसा करना आप। क्या बोले, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ महाराजा। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। ये हो गया, ये सब हटा देंगे हम लोग। सब एक ही सम में आएगा ना, लेकिन ये चारों भी ए बी सी डी एक ही सम में आएगा बराबर। चलाओ पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का चलेगा 76। कैसा लिखेंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ महाराजा, बुक्स ऑफ महाराजा बराबर ना। अब महाराजा कौन है हमें पता नहीं है, तो लिखते नहीं हम लोग फिलहाल के लिए। चलो आ जाइए, क्या बोला ये में, अयुब इन्फॉर्म महाराजा दैट सदाशिव का एक्सेप्टेंस फॉर ₹2000 एंडोर्स टू अयुब हैज बीन डिसऑनर एंड द नोटिंग चार्जेस हैव अमाउंटेड टू ₹50। देखो कब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, कब बिल ड्रॉ हुआ, बिल कब इंडोर्स हुआ, वो सब पता नहीं। डायरेक्टली डायरेक्टली क्या बोला कि सदाशिव का जो एक्सेप्टेंस था, इंडोर्स जो अयुब को किया था, वो क्या हो गया, डिजाइनर हो गया, जिसका नोटिंग चार्जेस कितना बना पड़ा, 50। मतलब स्टोरी शुरू से शुरू नहीं है, स्टोरी डायरेक्ट बीच की कुछ एक पार्ट दिया हुआ है, वो हमें करना है। हमें पूरा स्टोरी नहीं करना है, जो ट्रांजेक्शन है उसी का हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। देखिए अभी आपको पढ़ के क्या समझा बताओ। मैंने समझा कि अयूब महाराजा को इन्फॉर्म कर रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ 2000 का एंडोर्स हो गया है। हाँ। और अयूब हैज बीन डिसऑनर्ड द नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस भी डिसऑनर हो गए 50 रुपीस का। अच्छा सुनो मैं बताता हूँ उसको रीड कैसा करना है। पहले तो ना आप सदाशिव एक्सेप्टेंस को अंडरलाइन करो। हाँ। जिसका एक्सेप्टेंस होता है ना, जो एक्सेप्ट करता है ना बिल को, वो होता है ड्रॉवी। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि सदाशिव कौन है, ड्रॉवी है। ड्रॉवी है। एंडोर्स टू अयुब, ये बिल किसको एंडोर्स किया गया था, अयुब को। अयुब को। एंडोर्सी कौन है, ड्रॉवी अयुब है। अयुब के टकले बिल कौन एंडोर्सी है। हाँ। ठीक है ना, अब बचा कौन, अभी सदाशिव नहीं है, बच गया अभी महाराजा, बच गया ना महाराजा। हाँ। तो महाराजा कौन रहेगा, ड्रॉवर। देखो मैं भी पूरी स्टोरी समझाता हूँ आपको, स्टोरी पे ध्यान देना। पेज नंबर है 366, क्वेश्चन नंबर है 76 बेटा। जो बच्चा अभी आया जल्दी से वो देख लीजिए क्या है। फिर से एक बार मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, अयुब इन्फॉर्म महाराजा दैट सदाशिव का एक्सेप्टेंस फॉर ₹2000 एंडोर्स टू अयुब हैज बीन डिसऑनर एंड द नोटिंग चार्जेस हैव अमाउंटेड टू ₹50। सदाशिव एक्सेप्टेंस है तो सदाशिव को अंडरलाइन करके हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉवी। ड्रॉवी। हाँ, सदाशिव के टकले पे ड्रॉवी लिख लीजिए। 76 एंडोर्स टू अयुब, किसको एंडोर्स किया था, अयुब को। तो अयुब कौन है फिर, एंडोर्सी। अयुब के टकले पे एंडोर्सी लिखिए। अब बेटा स्टोरी देखना, यहाँ पे मैं एक स्टोरी तुम लोगों को समझाता हूँ। ये कौन है, महाराजा है। कौन बेटा ये, महाराजा है। और ये कौन है, सदाशिव है। बिल किसने बनाया, महाराजा ने बनाया। किसको दिया बिल, सदाशिव को। सदाशिव को दिया। सदाशिव ने साइन करके वापस किसको दिया, महाराजा को दिया, बराबर ना। महाराजा ने क्या किया मालूम है, क्या एंडोर्स किया बिल किसको, अयुब को। अयुब को। तो स्टोरी समझ में आ रही है,
वर्किंग दिख रहा है मेरा। हाँ। अब बताओ एंडोर्स कर दिया अयूब को तो ओनर ऑफ द बिल कौन हो गया? अयूब हो गया। अयूब हो गया। ड्यू डेट के दिन कौन किसके घर पे जाएगा? अयूब जाएगा सदाशिव के घर पे। तो अयूब गया सदाशिव के घर पे बिल लेने के लिए, तो सदाशिव ने क्या किया? बिल को डिसऑनर कर दिया। सदाशिव ने क्या बिल को डिसऑनर कर दिया, बराबर ना? डिसऑनर कर दिया, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो फिर इधर देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अयूब इन्फॉर्म, अयूब क्या कर रहा है? इन्फॉर्म कर रहा है। इधर देखो मेरे कर्सर को देखो। अयूब है ना, पहले इसके घर पे गया, इसने बिल डिसऑनर किया, फिर नोटिंग चार्जेस वगैरह भर के वापिस आ गया। फिर अयूब जाके किसको इन्फॉर्म कर रहा है रिटर्न में? महाराजा को। अब सेंटेंस देखो, अभी क्या? अयूब इन्फॉर्म महाराजा दैट द सदाशिव का जो एक्सेप्टेंस था, जो आपने एक्सेप्ट किया था, बराबर ना, बिल ने सदाशिव ने, वो क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है। और जिसका नोटिंग चार्जेस कितना भरना पड़ा? 50। तो मुझे बताओ बेटा एंट्री क्या लिखेंगे? एंट्री डिसऑनर का एंट्री लिखना है। डिसऑनर की एंट्री। जब भी बिल डिसऑनर होगा आग बंद करके किसको डेबिट करना है? ड्रॉवी को। ड्रॉवी को। ड्रॉवी कौन है? ड्रॉवी सदाशिव है। तो एंट्री लिख रहा हूँ देखो, सदाशिव अकाउंट डेबिट टू। केस कौन सा है? एंडोर्सी वाला है। तो नाम किसका आएगा? एंडोर्सी का नाम आएगा। तो क्या लिखेंगे? टू एंडोर्सी अकाउंट। अच्छा बताओ अमाउंट ऑफ बिल कितना है? 2000 है। उसमें प्लस क्या कर देंगे? नोटिंग चार्जेस 50। तो बताओ अमाउंट कितना आ जाएगा? 2050 हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे बोलो बच्चा लोग? बिल डिसऑनर, सही है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला वाला ए वाला ट्रांजेक्शन हो गया, तो मैं इसको यहाँ ए लिख देता हूँ, कैपिटल ए। चलिए इसको हम लोग बाद में बी कर देंगे, कैपिटल बी। पढ़ते ना पहले बी में क्या स्टोरी है। पंकज रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस, अंडरलाइन करो रिन्यू। और जब भी बिल रिन्यू होता है तो हम लोग क्या करते हैं पहले बताइए? डिसऑनर करते हैं। डिसऑनर करते हैं। तो एक काम करिए, डिसऑनर तो करेंगे ही, पहले पता लगाते हैं कि यहाँ पे ड्रॉवी कौन है। पंकज रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस मतलब ये किसका एक्सेप्टेंस है? पंकज का एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब पंकज कौन है? ड्रॉवी है। पंकज के टकले पे ड्रॉवी लिख दीजिए वहां पर। नाजनीन हम लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या? मल्टीपल बिल्स कर रहे हैं। ए ट्रांजेक्शन में स्टोरी अलग है, बी में अलग है, सी में अलग है, डी में अलग है। आज हम लोग नया टाइप पढ़ रहे हैं। तो देखो ए का स्टोरी खत्म हो गया, ए में एंडोर्स किया था और डिसऑनर हुआ, तो उसका एंट्री हम लोग ने पास कर दिया, उसका वर्किंग भी बना के देखा हम लोग ने क्या है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बी, तो बी में स्टोरी अभी अलग है। बी में ड्रॉवी कौन है? पंकज है, क्योंकि एक्सेप्टेंस किसका है बी में? पंकज का है। तू महाराजा, इसका मतलब महाराजा जो ड्रॉवर है, अच्छी बात है। पेइंग रुपीज 12,000, बिल का अमाउंट कितना है? 1200 है। क्या बोले आगे? 12,000 बाई पेइंग रुपीज 400 इन कैश एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ। आ जाइए, ओल्ड बिल कितने का है बताइए? 1200। नोटिंग चार्जेस प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आएगा? 1200 आ जाएगा, ठीक है। कैश कितना आ रहा है बच्चा लोग? 400 आ रहा है, 400 आ रहा है। मुझे बताओ बैलेंस कितना बचा? 800। इंटरेस्ट कैसा निकालेंगे बच्चा लोग बताइए? इंटरेस्ट इज इक्वल टू 800 पे आएगा इंटू कितना परसेंट बोला है? 12 डिवाइडेड बाय 100 बोला है, और इंटू कितना मंथ बोला है? 3 डिवाइडेड बाय 12। चलो बताइए कितना आया? 24 रुपये आए। तो बताइए नया बिल कितने का ड्रॉ होगा? 824 का। देखो बच्चे लोग बी में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? फर्स्ट एंट्री लिखने जा रहे हैं, और बी का फर्स्ट एंट्री हम लोग का क्या रहेगा? डिसऑनर का रहेगा। किसका रहेगा एंट्री? डिसऑनर, क्योंकि रिन्यू होता है तो डिसऑनर करके ही आगे जाना पड़ता है। डिसऑनर के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो कौन से केस का डिसऑनर करेंगे बच्चा लोग? केस वन का, बराबर ना? केस वन। हाँ। तो क्या करेंगे? पंकज अकाउंट डेबिट, सही बोल रहा हूँ मैं? बैंक अकाउंट। पंकज अकाउंट डेबिट। टू बिल रिसीवेबल, केस कौन सा है पता नहीं है, तो केस वन होता है ना? हाँ, बिल रिसीवेबल अकाउंट। टू क्या करेंगे बच्चा लोग? नोटिंग चार्जेस अकाउंट। प्रॉब्लम में नोटिंग चार्जेस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? और बिल यहाँ पे कितने का था? 1200 का था।
यहाँ पर भी कितने आएंगे, 1200 आ जाएंगे। फिर हम लोग एंट्री नंबर टू किसका करेंगे, पहले कैश ले लेंगे क्योंकि ये केस भी है, तो ये आ जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कौन गिवर है ड्रॉ भी, तो टू पंकज अकाउंट, कितने का कैश आ गया बच्चे लोग, 400। अभी हम लोग थर्ड में क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो आ जाएगा पंकज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना रहेगा इंटरेस्ट बताइए, ये रहेगा 24 रुपया और यहाँ पे भी रहेगा 24। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, न्यू बिल ड्रॉ करेंगे, न्यू बिल ड्रॉ का एंट्री तो आपको आता है, ये बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, पंकज अकाउंट। चलिए तो ये कितने कितने का आ जाएगा, 824। यहाँ पे हम लोग का ना बी का पूरा ट्रांजेक्शन खत्म ही हो गया। बी में कितनी एंट्री आई बच्चा लोग, 4 एंट्री आई। पहले हम लोग ने क्या किए, डिजोनर किए क्योंकि रिन्यू बोला था, फिर केस बी के हिसाब से पहले पैसा लिए, फिर इंटरेस्ट चार्ज किए और फिर क्या किया, न्यू बिल ड्रॉ करे। आगे बढ़ते सी में देखते क्या बोला। अब सी में बी को भूल जाने का, जैसे ए को भूल गए थे अभी बी को भूल जाओ, ड्रॉ भी कौन था भूल जाओ। अब देखते आगे नया स्टोरी में क्या है, वैभव का एक्सेप्टेंस, मुझे बताओ वैभव को अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे, तू महाराजा, मतलब महाराजा कौन है, ड्रॉवर है। 6000 रिटायर 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट द डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल रिटायर हो रहा है, तो रिटायर का एंट्री लिखना पड़ेगा, रिटायर का एंट्री बोलिए, कैश बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे बच्चा लोग, बिल रिसीव एबल अकाउंट, ठीक है ना बच्चा लोग। मुझे बताइए बिल कितने का था, देखिए बिल था ये 6000 का। अभी रिबेट मैं यहाँ निकाल देता हूँ, सी का वर्किंग करते हुए यहाँ रिबेट निकालेंगे, रिबेट इज इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, 6000 कितना परसेंट है, 12%, तो 12 divided by 100 इनटू कितना महीना है, 1 month है ना, तो 1 divided by 12, चलो बताओ बच्चा लोग कितना आया, 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 60 रहा है शायद, 12 12 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 60, देखो सही है क्या, सही आएगा तो बताओ, तो फिर वही हिसाब से मैं करता हूँ। बराबर है, तो रिबेट में आएगा 60 और कैश बैंक में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 5940 रुपीज। तो ये सी बी क्या हो गया हम लोग का कंप्लीट। आ जाओ करें डी, डी में देखते हैं क्या हो रहा है। अब किसको भूल जाने का, सी को भूल जाने का, बच्चा लोग समझ में आ रहा है ना ये प्रॉब्लम कैसा चल रहा है। अभी इसी के ऊपर हम लोग सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे क्या, और ये टाइप अगर सीख गया अपन ने तो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा कवर हो जाएगा, इसी में से ही कुछ ना तो कुछ आता है एग्जाम में। डी पढ़ते, द बैंक इन्फॉर्म महाराजा द कासम का एक्सेप्टेंस ऑफ 4 rupees 2000 टू महाराजा डिस्काउंटेड विद द बैंक अर्लियर हैज बीन डिजॉन एंड द नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड 40 rupees। पहले स्टोरी को समझो बेटा, मैं जब तक आपको यहाँ वर्किंग समझाने की कोशिश करता हूँ। कासम का एक्सेप्टेंस है, मतलब यहाँ कासम कौन है, ड्रॉवी है। हाँ सही है, और इस बार बिल कहाँ गया हमें को ये बताओ, बैंक में गया, बैंक में गया, ठीक है ना। मैं तुम लोगों की स्टोरी समझाता हूँ फिर से एक बार, तो उसके लिए थोड़ी सी तवज्जो देना है। अब ध्यान दीजिए, महाराजा ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, ठीक है ना। मैं इसका भी ये ले लेता हूँ स्लाइड शो, अब तुम लोग अच्छा समझ में आएगा। महाराजा ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, कासम बिल ड्रॉ करके किसको दिया, कासम को दिया,
आसम ने साइन करके इसको दिया, महाराजा को दिया, ठीक है ना। अब बिल किसके पास है? महाराजा के पास है। महाराजा ने क्या किया, बिल बैंक में जाके क्या किया, डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट कर दिया। अब बताओ ड्यूटेड के दिन कौन किसके घर पे जाएगा? बैंक जाएगी कासम। बैंक जाएगी कासम। वेरी गुड। तो बैंक गई कासम के घर पे, लेकिन कासम ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया, तो बैंक वापिस आ गई। वापिस आके फिर देखो अब सेंटेंस होगा क्या, बैंक इन्फॉर्म कर रही है, किसको इन्फॉर्म कर रही है, महाराजा को। अब पढ़ो, महाराजा को। बैंक इन्फॉर्म महाराजा दैट द कासम का एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 2000 टू महाराजा डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन क्या, डिसऑनर। समझ गया पूरी स्टोरी, डिसऑनर। अब बच्चा लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। जब भी बिल डिसऑनर होता है आंख बंद करके किसको डेबिट करने का, रवि को। रवि कौन है? कासम अकाउंट डेबिट। कासम अकाउंट डेबिट। अब बताओ केस कौन सा है, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। अब बताइए अमाउंट ऑफ बिल कितना है, 2000। उसमें प्लस क्या करेंगे, नोटिंग चार्जेस कितना, 40। 40। तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2040। ये हो गया पूरा प्रॉब्लम खत्म। कैसा लगा ये प्रॉब्लम? नोटिंग चार्जेस मैंने ऐड कर दिया ना, क्योंकि केस टू में ऐड करना है ना, ठीक है। चलो ऐसे भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी तो हम लोग ने 76 किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए बेटा। सेवेंटी सेवन करे क्या? इन द बुक्स ऑफ क्या बोले बताइए, इन द बुक्स ऑफ शरद। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल बिल्स, मतलब बार 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 अलग 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 बिल आएगा, वो हिसाब से हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले हमें स्टोरी समझना है, फिर जो ट्रांजेक्शन दिया है बस उसी का एंट्री लिखना है हमको, बाकी किसी से मतलब नहीं है, ठीक है बच्चा। स्टार्ट करें, आ जाइए 77 में, पढ़िए जरा, मैं जब तक तो कुछ करता हूँ यहाँ पे। हाँ रीड करो, हाँ आप लोग तो क्या समझा बताइए मुझे। यहाँ पे गोपक ड्रॉवी है, शरद ड्रॉवर है, गोपक क्या नाम है, गोपक एंडोर्सी है। प्रकाश एंडोर्सी है सर। चलिए फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। ए प्रकाश इन्फॉर्म शरद दैट गोपाल, गोपाल जो होगा वो शायद के लोग गलती से डालते हैं, चलो जो एग्जाम में लिखा है वो एग्जाम है। गोपाल एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 10,000 एंडोर्स टू प्रकाश। देखो गोपाल का जो है वो क्या है, एक्सेप्टेंस है, तो यहाँ पे गोपाल कौन हो जाएगा, ड्रॉवी। तो उसके टकले पे ड्रॉवी लिखो। एंडोर्स टू प्रकाश, किसको एंडोर्स किया था, प्रकाश को, तो प्रकाश को एंडोर्स ही हो गया। बच्चा कौन, शरद। तो शरद कौन हो जाएगा यहाँ पे, ड्रॉवर। अब देखिए स्टोरी में देखिए क्या हो रहा है, ये शरद है, शरद ने क्या किया, बिल बना के किसको दिया, गोपाक को दिया। गोपाक को। गोपाक ने साइन करके किसको दिया, वापस में शरद, शरद को दिया। शरद ने क्या किया, बिल एंडोर्स कर दिया, किसको, प्रकाश को। अब ड्यूटेड के दिन कौन किसके घर पे जाएगा पैसा लेने के लिए, प्रकाश को। प्रकाश गया गोपाक के पास, तो गोपाक ने क्या किया, डिसऑनर कर दिया। तो ये तो कोई वापस आ गया, दिख रहा है ये वापस आ गया। वापस आने के बाद अब स्टोरी यहाँ से बता रहा है वो, प्रकाश इन्फॉर्म शरद। देखो यहाँ पे प्रकाश
इन्फॉर्म शरद दैट द किसका एक्सेप्टेंस गोपाक्स का एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज कितना 10,000 एंडोर्स टू प्रकाश हैज बीन डिसऑनर. तो डिसऑनर की एंट्री में हम लोग क्या करेंगे बताओ. ये ए ट्रांजेक्शन है. हाँ ए ट्रांजेक्शन है. तो जब भी बिल डिसऑनर है आग बंद करके किसको डेबिट करना है ड्रॉवी को. तो ड्रॉवी करेंगे गोपाक. तो गोपाक अकाउंट डेबिट. टू क्या करेंगे एंडोर्सी का नाम आएगा क्योंकि एंडोर्सी वाला डिजाइनर है. तो एंडोर्सी कौन है यहाँ पे प्रकाश. प्रकाश अकाउंट. आप फिर से बताइए अमाउंट ऑफ बिल है 10,000. हमें करना क्या है नोटिंग चार्जेस भी मिला लेना है क्योंकि केस टू है. यहाँ पे कितना कितना आ जाएंगे बोलिए 10,200. नरेशन तो आप लिख ही लेंगे मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर. कैसा लगा ए खत्म हो गया. आओ बी में आते हैं. राजन रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस. तो रिन्यू का मतलब डिसऑनर लिखो और राजन का एक्सेप्टेंस है तो राजन के टकले पे क्या आएगा ड्रॉवी. ठीक है ना बेटा. कितने का बिल था देखो 5,000 का बिल था तो मैं यहाँ आऊंगा 5,000 लिखूंगा. नोटिंग चार्जेस तो नहीं दिख रहा है तो नोटिंग चार्जेस में आ जाएगा नील. तो यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे बच्चा लोग 5,000 आ जाएगा. कॉमो में बराबर कर देते हैं यहाँ पर. ये क्या 5,000. कैश कितना आ रहा है देखते हैं 2,000 इन कैश. तो ये 2,000 का कैश दे रहा है. एंड एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस. बैलेंस कितना बचा 5 में से 2 आगे तो कितना बचा 3. अब इंटरेस्ट यही निकाल लेते हैं ना. इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3,000 पे इंटू कितना परसेंट 8% 8/100 क्योंकि परसेंट में 100 लेते हैं. इंटू कितने महीने के लिए 2 महीने के लिए तो 2/12. चलो बच्चा लोग बताओ कितना आ रहा है. वेरी गुड 40. तो मतलब 3,040 का क्या होगा नया बिल हो जाएगा. मतलब पहला कौन सा एंट्री लिखेंगे. चलो आपको मौका देता हूँ बोलने के लिए. पहले बोल दो डिसऑनर का लिखेंगे. पहले डिसऑनर करेंगे. वेरी गुड. तो डिसऑनर करेंगे तो ड्रॉवी डेबिट. तो क्या करेंगे राजन अकाउंट डेबिट. राजन अकाउंट डेबिट केस क्योंकि पता नहीं है इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा. टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. केस वन होता है क्योंकि कुछ नहीं होता है तो केस वन होता है. टू नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्जेस प्रॉब्लम में नहीं है तो डैश आ जाएगा. बिल का अमाउंट कितना था 5,000. फिर हम लोग करेंगे नंबर टू. अब क्या होगा कैश आएगा तो कैश ले लेंगे. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन दिया पैसा राजन अकाउंट. टू राजन अकाउंट आ गया तो पैसे मिले अपने कितने 2,000. थर्ड वाला देखते हैं क्या करेंगे. इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो कैसा करेंगे बताइए. इंटरेस्ट चार्ज राजन अकाउंट डेबिट. राजन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. टू इंटरेस्ट अकाउंट कितने का इंटरेस्ट आएगा 40. 40. फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग न्यू बिल ड्रॉ करेंगे. तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट ड्रॉवी मतलब राजन अकाउंट. और यहाँ पर अमाउंट आएगा कितना 340. बी की कहानी क्या हो गई यहाँ पर खत्म हो गई है. अब आओ पढ़े सी. जगदीश रिटायर हिज एक्सेप्टेंस टू शरद फॉर रुपीज 1,000 बाई पेइंग 916 कैश. तो जगदीश रिटायर किया अपना एक्सेप्टेंस. तो जगदीश कौन हो गया बेटा ड्रॉवी हो गया बराबर ना. हाँ ड्रॉवी हो गया. तो रिटायरमेंट का एंट्री क्या आएगा बताइए. रिटायरमेंट में पैसा आता तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट री कैश बैंक अकाउंट डेबिट री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. वेरी गुड.
तो यहाँ पर बिल था कितने का, 1000 रुपये का। उसने बाई पेइंग कितना किया, 960। इसका मतलब 40 का क्या हो गया, रिबेट हो गया, बैलेंसिंग फिगर। क्या हमारा सी का भी स्टोरी खत्म हो गया? सही है। चलो डी पढ़ते हैं, डी। शरद सेंट अ बिल ऑफ शिरीष फॉर रुपीज 8000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। अंडरलाइन करो, बिल कहाँ भेजा गया? बैंक में कलेक्शन के लिए। किसने भेजा? शरद। तो शरद कौन हो गया, ड्रॉवर हो गया ना, तो ड्रॉवी कौन हो गया फिर, शिरीष। तो बिल जब हम लोग भेजते हैं तो BFC अकाउंट डेबिट करते, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ये बिल गया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये बिल कितने का गया, 8000। देखते अभी बिल के साथ क्या हुआ, क्योंकि ये 8 का डी है ना, ये 8 का डी का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। भाभी को बोलो ना लेके जाओ, तुम जाएंगे लेक्चर ले रहा हूँ मैं। बट बैंक इन्फॉर्म दैट बिल हैज बिन डिसऑनर बाय शिरीष। देखो बिल डिसऑनर हो गया ना, टेंशन नहीं लेने का, ड्रॉवी को डेबिट। ड्रॉवी कौन है, शिरीष, अकाउंट डेबिट। टू केस कौन सा चल रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। टू नोटिंग चार्जेस भी लिखना पड़ता है ना, केस 4 में नोटिंग चार्जेस अलग से आता है, बराबर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन नोटिंग चार्जेस है नहीं। हाँ नोटिंग चार्जेस है ही नहीं, तो वहाँ पे डैश कर दिया बोले तरह से, बराबर है। फिर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ये हो गया पूरा कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है बच्चा, क्या डिफिकल्ट लग रहा है? आ रहा है नाजनीन, आ रहा है। चलो अच्छी बात है, आ रहा है। हम लोग ऐसे करते चले आएंगे ना, क्या 77 हो जाएगा तो हम लोग 78 में आ जाएंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो 78 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 78। इन द बुक्स ऑफ क्या बोले बता दीजिए, इन द बुक्स ऑफ महेश। देखते भी क्या हो रहा है हमारे साथ में। पर ये पहला ट्रांजेक्शन क्या है, नीलेश इन्फॉर्म्ड महेश दैट राजेश एक्सेप्टेंस फॉर 12000। इसका एक्सेप्टेंस है ये बताइए मुझे, एक्सेप्टेंस राजेश, राजेश का। तो राजेश कौन हो गया, ड्रॉवी, ड्रॉवी हो गया, वेरी गुड। एंडोर्स किसको किया था, नीलेश को, तो नीलेश कौन हो गया, एंडोर्स हो गया। और बिना वर्किंग के भी अगर मैं समझाऊं तो आपको समझेगा ये डिसऑनर हो रहा है। जब भी बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी डेबिट करते, तो राजेश को डेबिट कर देंगे। प्रैक्टिस करते करते आपका अपने आप स्पीड आ जाएंगे। क्या टू एंडोर्सी का नाम आ जाएगा, एंडोर्सी कौन है, नीलेश, नीलेश। यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल लेना है और नोटिंग चार्जेस मिला देना, तो ये हो गया 12000 और ये प्लस करेंगे हम लोग कितना, 250। तो कितना हो जाएगा, 12250। भाभी को बोल दो लेके चले आएंगे, बाबू भाभी को बोल दो लेके चले आएंगे। अच्छा जा देखते, पहला वाला समझ गया विदाउट वर्किंग, क्या वर्किंग के जरिए समझाऊं, नहीं समझ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बी में आ जाते हैं, रामाकांत रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस। तो रामाकांत कौन हो गया, ड्रॉवी हो गया। रिन्यू करा है मतलब क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर करना पड़ेगा, डिसऑनर करना पड़ेगा। टू महेश 5000 का बिल है, तो यहाँ 5000 आ जाएंगे इधर पे। ओल्ड बिल में लिख दिया मैंने 5000, नोटिंग चार्जेस नहीं है बच्चा लोग। पेइंग कैश कितना हो रहा है, यहाँ पे 2000 हो रहा है, बैलेंस बच गया यहाँ पे 3000 रुपए। 3000 के साथ क्या हो रहा है देखते हैं, 3000 के साथ 12% है और 3 मंथ है। आ जाइए, परसेंट बताइए कितना है, 12% मंथ बताइए कितना है, 3 मंथ है। चलो मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, राइट किया क्या मैंने, हाँ 90।
चलिए तो पहला हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे वो बताइए बच्चा लोग मुझे। पहले डिसऑनर का पास करेंगे। हाँ तो डिसऑनर कैसे करेंगे बताओ ना। डिसऑनर पहले लिखो ये इसका नाम रमई। हाँ रमाकांत अकाउंट। नोडिंग जजेस भी आएगा अलग से क्या? नोडिंग जजेस प्रॉब्लम में है क्या? नहीं है। केस वन का डिसऑनर कर दिया मैंने। यहाँ पे भी 5000 आ जाएगा। यहाँ पे भी 5000 आ जाएगा। फिर सेकंड एंट्री में क्या करेंगे बच्चे लोग? कैश ले लेंगे तो आ जाएगा कैश। कैश बैंक अकाउंट। डेबिट अकाउंट। डेबिट टू रामाकांत अकाउंट। वेरी गुड रामाकांत। कितने का आ जाएगा बताइए? 2000। फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कैसे करेंगे बताइए? रामाकांत अकाउंट। रामाकांत अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। टू इंटरेस्ट अकाउंट 90। फिर हम लोग क्या करेंगे? न्यू बिल ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? बिल बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट अकाउंट टू रामाकांत रामाकांत अकाउंट। हां तो ये आ जाएगा कितना? 3090। आप देख लेना सी में क्या हो रहा है। आ जाएगा स्पीड आपकी पास हो गया। अच्छा लगा मैं। किरण रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस टू महेश 2000 बाय पेइंग 1900 इन कैश। रिटायर का एंट्री लिखना चाहिए था बताइए। रिटायरमेंट का एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट। रिबेट अकाउंट डेबिट। रिबेट अकाउंट डेबिट। तो ये बिल कितने का था बता दीजिए? 2000 का था। बिल था 2000 और उसने पे कितना किया अपने को? 1900 किया। मतलब 100 रुपीस का क्या हो गया? रिपीट हो गया ना डिस्काउंट। खत्म। डी आ जाइए। महेश सेंट अ बिल। कौन सा कर रहे हम लोग? हाँ बराबर यही कर रहे हैं। महेश सेंट अ बिल ऑफ सतीश फॉर रुपीस 10,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया तो एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। टू बी वेरी गुड बेटा। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल गया ये भी देख लेता हूँ मैं। 10,000। अभी बिल के साथ क्या हुआ है पढ़ने में? But bank informed that bill has been dishonored by Satish. Satish. जब भी बिल dishonored आँख बंद करके किसको डेबिट करो? ड्रॉवी को। ड्रॉवी को डेबिट। ड्रॉवी को। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। टू नोटिंग चार्जेस। टू नोटिंग चार्जेस। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा सुन के बेटा। टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट। नोटिंग चार्जेस ही हो गया डैश। और ये बिल का कितना हो जाएगा? 10,000। कंप्लीट हो गया बेटा। प्रॉब्लम तीन प्रॉब्लम हमने एकदम फटाफट कर दी। पहला प्रॉब्लम समझने के लिए खाली टाइम लगा। उधर है अभी नहीं उधर है। हो गया भाई स्क्रीनशॉट। वेरी गुड बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा आप लोग का स्पीड देख करके। और आप लोग जो आंसर करते हैं ना मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे तब समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है करके। खामोश रहते हैं तो अच्छा लगता है कि शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग 79 भी स्टार्ट कर देंगे फटाफट। आ जाइए। द बुक्स ऑफ कमेश। क्वेश्चन नंबर 79। इंदौर। क्या बोलते हैं? इंदौर। कमेश। ऑफ कमेश। रॉबी। हाँ देखते हैं कमेश कौन है। रॉबर्ट रॉबी पढ़ के देखते हैं। नंदा इन्फॉर्म कमेश दैट द शांतीज का एक्सेप्टेंस फॉर रुपीस 4000 इंडोर्स टू नंदा हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस हैव बीन 100। पहले बताइए ड्रॉवी कौन है? शांति है। शांति। और इंडोर्स किसको किया? नंदा को किया। नंदा कौन है? इंडोर्स ही है। बच्चों मुझे ये बताइए कि इंडोर्स का डिसऑनर है तो जब भी डिसऑनर रहेगा तो किसको हम लोग डेबिट करते हैं? क्या हो रहा है? अशोक रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस टू कमलेश। आप लोग ने एक बात का ध्यान दिया?
कि स्टार्टिंग का तीन ट्रांजेक्शन बोर्ड एग्जाम सेम दे रहे हैं, एंडोर्स का डिजोनर दे रहे हैं, रिन्यू करके जो है वो केस या केस भी देगा, फिर रिटायर देगा, चौथा वाला कुछ भी कर रहा है वो। चौथा वाले में चेंजेस था, पहला वाला में अलग था, दोवा में सेम था, अभी इसमें देखते क्या है। चौथा ट्रांजेक्शन चेंज हो जाता है, उसको पढ़ के ध्यान से करने का। चलो ये अशोक का रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस है, तो अशोक कौन हो गया, ड्रॉ भी हो गया। कमलेश, कमेश तो हमारा जो ड्रॉवर है भाई, पेइंग कितना है, 800 इन कैश। आ जाइए, पहले ये बताइए कि अमाउंट ऑफ बिल कितना है। अमाउंट ऑफ बिल 2000 ये नहीं है, मतलब ये भी कितना है, 2400 ही है। कैश कितना मिल रहा है, 800 मिल रहा है हमें, तो 2400 में से 800 गए तो कितने बचे, 1600। सही है क्या बेटा, 1800 12% निकाल। चलो सही है, अब अपने वो करना क्या है, 1600 पे 12% फॉर 3 मंथ, कितना परसेंट, 12% 3 महीने के लिए, बताइए कितना रहे। फोर्टी एट बिल्कुल सही जवाब। तो न्यू बिल कितने का हो जाएगा बेटा, 1648। आ जाइए, पहले हम लोग क्या करेंगे, डिजोनर करेंगे। डिजोनर करने के लिए हमें करना क्या है ये बताइए बच्चा लोग। डिजोनर के लिए ड्रॉ भी डेबिट, कमेश, हाँ कमेश अकाउंट, नहीं 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 कमेश नहीं, ड्रॉ नहीं, क्या बोला है अशोक रिन्यू एक्सेप्टेंस, अशोक अकाउंट डेबिट। इसके लिए पहले लिख देने का वहां पे के ड्रॉ भी कौन है। तू क्या करेंगे, तू बिल रिसीवेबल के लिए रिसीवेबल अकाउंट, तू नोटिंग चार्ज, तू नोटिंग चार्जेस अकाउंट। तो नोटिंग चार्जेस तो प्रॉब्लम में नहीं है, हम लोग क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे 2400, यहाँ पे भी लेंगे 2400, फिर हम लोग ले लेंगे कैश, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। तो ये अशोक का कितना आ जाएगा, 800, फिर हम लोग इंटर चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अशोक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर कितना, 48 फिर हम लोग न्यू बिल ड्रॉ करेंगे कैसा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अशोक, कितने का आ जाएगा ये, 1648 1648। चलो देखते सी में क्या बोल रहा है। देवाज एक्सेप्टेंस टू कमेश इज रिटायर 1 month बिफोर, डिस्काउंट 12% पर है ना, आ जाइए, रिटायर का एंट्री लिखना है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू बिल अकाउंट, बिल रिसीवेबल, वेरी गुड बेटा। अब बताइए बिल रिसीवेबल कितने का था, 12000। यहां पर आके हम लोग रिबेट निकाल लेते हैं, तो रिबेट इज इक्वल टू 12000 के ऊपर कितना परसेंट है, 12% ही है, कितना मंथ है, 1 month। चलो बताइए रिबेट कितना रहा है, 12 कैंसिल, 00 कैंसिल, 120 आता है क्या, करके बताओ, 120 है, 12000 में से 120 निकाल दिए तो 11880 बचा हमारा, ठीक है ना। चलो तो फिर आगे बढ़े ना, आगे क्या बोला है, डी द बैंक इन्फॉर्म
कमेज दैट सुधाकर का एक्सेप्टेंस फॉर ₹4,000 हैज बीन डिसऑनर एंड इट हैज पेड नोटिंग चार्जेस 80। इसका मतलब ये बैंक का डिसऑनर है। ड्रॉवी कौन है? सुधाकर का एक्सेप्टेंस, तो सुधाकर के टकले पे को ड्रॉवी, तो मैं ड्रॉवी को डेबिट करूंगा। सुधाकर बराबर ना, अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक का केस है। और अमाउंट ऑफ बिल ले लूंगा कितना, 4,000 प्लस उसमें मैं क्या ऐड कर लूंगा, नोटिंग चार्जेस 80। कितना हो जाएगा ये 4,080। खत्म। 1, 2, 3, 4 प्रॉब्लम कर लिए हम लोग ने। क्वेश्चन नंबर 80, 81 होमवर्क। देखो पढ़ के कर सकते हो। 81 हाँ, क्योंकि मैंने 76, 77, 78, 79 कराया। आप लोग 80 और 81 होमवर्क ले लीजिए। ओके पढ़ो जरा, कर सकते क्या नहीं कर सकते। पहला वाला तो एंडोर्स का डिजाइनर है दोनों में, दूसरा वाला दोनों में रिन्यू है, तीसरा वाला दोनों में रिटायर है, चौथा वाला बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा और वहां पे क्या हो गया, डिजाइनर हो गया। तो ये भी मैंने करा है। यहाँ पे भी क्या है, चौथा वाला यहाँ पे कुछ चला गया, बैंक ने इन्फॉर्म किया। तो यहाँ पे बैंक का डिजाइनर है, 81 में बैंक का डिजाइनर है, और डी में 80 में क्या है, बैंक फॉर कलेक्शन का डिजाइनर। बैंक फॉर कलेक्शन, चलो दोनों भी आराम से कर सकते हैं। हाँ तो कैसा लगा लेक्चर आज का, ठीक समझ में आया या नहीं आया? आ गया भाई। हाँ समझ में आया। इंशाल्लाह अज़्ज़वज़ल लहू कल भी हम लोग लेक्चर लेंगे और ये चैप्टर को इंशाल्लाह हम लोग फिनिश करेंगे। ये यही टाइप के और मैं अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम लेके आऊंगा जिसमें जो चेंजेस है कुछ। अगर ऐसा लगा कि एक लेक्चर और लेना है तो एक लेक्चर और ले लेंगे हम लोग, फिर हम लोग इंशाल्लाह जल्द अज जल्द नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह के करम से हमारा एक चैप्टर तो कम्प्लीट होने आ रहा है मतलब। ठीक है, अभी बाकी चैप्टर्स देखता हूँ मैं और क्या क्या करा सकता हूँ आप लोगों को। फाइनल अकाउंट है और ये एनपीओ है, सोच रहा हूँ थोड़ा लेट स्टार्ट करूँ क्योंकि लंबे लंबे चैप्टर है वो। पहले आपको मैं थोड़े छोटे छोटे चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ जैसा ठीक लगे। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।